नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट हेल्प नेपाल में। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप कैसे अपने वाईफाई से टैप टू शेयर पासवर्ड को हटा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि Redmi मोबाइल में यहाँ पर टैप टू शेयर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उसके बाद एक QR कोड आता है और QR कोड को स्कैन करने के बाद कोई भी आपका पासवर्ड जान सकता है वाईफाई का। तो इस QR कोड को बंद कैसे करें, मतलब ये टैप टू शेयर पासवर्ड वाला ऑप्शन को कैसे डिसेबल करें, उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा और उसको ऑल में सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, टैप टू शेयर पासवर्ड को हटाने के लिए आपको अपना वाईफाई का सिक्योरिटी WEP पे लाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाईफाई का अभी सिक्योरिटी है WPF2 पर्सनल पे, तो मैं इसको WEP इनक्रिप्शन में सेट कर दूंगा। उससे क्या होगा, इसका टैप टू शेयर वाईफाई पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा। ये अलग अलग राउटर के लिए अलग अलग सेटिंग हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपको TP-Link वाईफाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है और वहाँ पर अपना TP-Link का IP एड्रेस डालना है। जैसे कि ज़्यादातर TP-Link राउटर का IP एड्रेस होता है 192.168.0.1। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल में। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है और उसके बाद आपको वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जाने के बाद सबसे पहले आपको WPS में जाना है और WPS को यहाँ से डिसेबल कर देना है। WPS को डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर वाईफाई थोड़ी देर के लिए डिसकनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से कनेक्ट हो जाएगा। WPS को डिसेबल करने के बाद आपको जाना पड़ेगा वायरलेस सिक्योरिटी में। वायरलेस सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे एक WEP का ऑप्शन आएगा और आपको क्या करना है, WEP पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप बताएगा, तो आपको यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ऑटो मैंने सिलेक्ट कर लिया। की फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा आपको, हेक्साडेसिमल ASCII। तो आपको इन दोनों में फ़र्क जानना है। हेक्साडेसिमल में आप क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक का और A से लेकर F तक का अक्षर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। और आप ASCII क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कीबोर्ड में जितना भी लेटर मौजूद है वो सब आप यूज कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ASCII ही क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे Q1 में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में देख सकते हैं डिसेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, 64-bit और 128-bit। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि 64-bit में आप ASCII पासवर्ड यूज करते हैं तो 5 अक्षर लिख सकते हैं और 128-bit में करते हैं तो आपको 13 डिजिट का पासवर्ड लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आप 5 डिजिट से ना तो ज़्यादा लिख सकते हैं ना तो कम, जैसे कि मैं 64-bit में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप पासवर्ड यहाँ 5 लेटर का लिख सकते हैं कोई भी। एग्जाम्पल के लिए मैंने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है SMS@1। तो आपको ऐसा ही 5 अक्षर का पासवर्ड रखना पड़ेगा अगर 64-bit में आप सिलेक्ट करते हैं तो। अगर आपको ज़्यादा अक्षर का पासवर्ड रखना है तो आप 128-bit में सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 13 अक्षर पूरा लिख सकते हैं। ना 13 से 1 भी कम होना चाहिए, ना 13 से 1 भी ज़्यादा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको कि 64-bit पर ही सिलेक्ट कीजिएगा, 5 लेटर का पासवर्ड अच्छा होगा। और अगर चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना तो आप 128-bit भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल रखना है तो वो भी कर सकते हैं। आप हेक्साडेसिमल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन फिर भी रहेगा, 64-bit। 64-bit में आप 10 हेक्साडेसिमल लेटर लिख सकते हैं पासवर्ड के लिए, जिसमें 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक का अक्षर शामिल होगा। और अगर 128-bit आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 26 पासवर्ड लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट 26। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि ASCII सिलेक्ट कीजिए और 64-bit में क्लिक कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 पासवर्ड दे दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने वाईफाई में जाएगा और देख सकते हैं आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो गया होगा और यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी में जाके कि WEP हो चुका है।
तो हमने अभी जो पासवर्ड चेंज किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर टैप टू शेयर वाईफाई पासवर्ड लिखा होता है, वो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी इसका QR कोड नहीं बन रहा है। अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड दूसरों को दे भी देंगे फिर भी वो टैप टू शेयर पासवर्ड से वाईफाई का पासवर्ड नहीं देख सकता है। तो आप लोग भी इस मेथड को ज़रूर अपनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि यह मेथड आपको कितना अच्छा लगा है और कितना काम कर रहा है आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही ये वीडियो को अपना साथी भाई में शेयर कर दीजिएगा। जय नेपाल।